सुबह के बज रहे हैं 8, टेम्परेचर है -1। आज सडनली बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है। मैं हूँ यहाँ अभी जर्मनी में। जर्मनी में आपका एक सिटी है कलोन, सो आई एम लिविंग इन द कलोन सिटी। अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। ऑफिस मेरा यहाँ से पड़ता है हार्डली 15 मिनट की डिस्टेंस पे, और यहाँ से मुझको अगर ऑफिस जाना है तो मुझको सबसे पहले लेनी पड़ती है बस, और बस के बाद ट्रेन। बस जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि बस की डिस्टेंस हम बाई वॉक भी कवर कर सकते हैं। अगर बाई वॉक जाते हैं हार्डली इट विल टेक 2 to 3 minutes अगर बस से जाते हैं, तो अदरवाइज यू कैन गो बाई वॉक ऑल्सो, इट विल टेक अराउंड 7 to 8 minutes ओनली, दैट्स इट। तो देखते हैं अगर बस को हम कैच कर पाएंगे तो बस लेंगे, अदरवाइज आई विल गो बाई वॉक। Here's what I like, laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high always. तो सामने है बस स्टैंड, आप देख सकते हैं सामने बस खड़ी है और बस जा चुकी है। नेक्स्ट बस कितने टाइम बाद आएगी, आई कांट से, आई हैव टू चेक। मोस्टली जो बसेस हैं आपकी वो हार्डली 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे रहती है, हर 5 मिनट में बसेस रहती हैं, तो यहाँ बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो पीक आवर्स में 2-2 मिनट पे भी होती हैं बसेस, बट अगर आप विदाउट पीक आवर की बात करें, आफ्टर 10 o'clock और बिफोर 4 o'clock इन द इवनिंग, तब बस का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ 8 to 10 मिनट के बीच में होती है, बट फिर भी यहाँ काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कि मेरी बस अभी नेक्स्ट बस कितने बजे है। तो ये अपना बस स्टैंड है, घर से सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पे, और सामने आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि नेक्स्ट बस कब है। अगर आप देख पा रहे हैं 151 सफोर्ट, सफोर्ट मीन्स बस आ रही है, इसका मतलब अपनी बस पीछे है। देखते हैं अपनी बस कहाँ है, आई थिंक बस आने वाली है। वो आ गई मेरी बस, आ गई आ गई आ गई आ गई, ये आ गई। फाइनली हम बस पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है बस। यहाँ जो बसेस हैं आपकी वो खाली रहती हैं मोस्टली, सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी लग्जरी बसेस हैं, आप देख सकते हैं। Here's what I like, laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high always. तो आ गया मेरा नेक्स्ट बस स्टॉप, यहाँ से लूंगा मैं अपनी ट्रेन, तो पकड़ते हैं अपनी ट्रेन नेक्स्ट बस स्टॉप से। तो उतर चुके हैं अपनी बस से, अब लेंगे अपनी ट्रेन, तो चलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन स्टेशन। Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly. तो ठीक नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे है हमारा ट्रेन स्टेशन, यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन। ये ट्रेन्स मोस्टली सिमिलर टू इन आवर इंडिया, वी हैव द मेट्रोस। Here's what I like,
Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, and then we take a ride. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, and then we take a ride. Wherever I always try to let my spirit fly. Fly away. That's the only way to get that high. Yahan se total padte hain 4 station. Wapas pahunchne ke liye pehla station humne paar kar liya hai. Ab hum 3 aur station cross karenge aur pahunch jayenge apne. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride. Wherever, I always try to let my spirit fly. Fly away. That's the only way to get that high. High always. What I like. Jumping from a roof that is almost too high. Laying on the grass, I close my eyes. Playing my guitar till my fingers are numb. I always try to let my spirit fly. Fly. और बस हम पहुंच ही चुके हैं अपने लास्ट स्टेशन में जो कि हमारे ऑफिस से ऑफिस के बहुत ही नियर है. यहाँ से और इसको बोलते हैं जू फ्लोरा. तो उतरते हैं ट्रेन से और चलते हैं भाई वाह. तो ट्रेन से हम उतर चुके हैं, देख सकते हैं ट्रेन हमारे ठीक पीछे है. अब हम यहाँ से जाएंगे भाई वाह. इसके लिए हमको क्रॉस करनी पड़ेगी सबसे पहले रोड हम ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं. आप देख सकते हैं अब ग्रीन लाइट हो गई तो हमको सिग्नल को फॉलो करना होता है. है और हमारे ठीक पीछे हमारे एक कलीग हैं सागा. ये हमारे ही ऑफिस में काम करते हैं सागा. ओके तो यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा बाई वॉक टू माई ऑफिस. इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स. अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको अपना ऑफिस दिखाने की. सामने देख पा रहे हैं एक है ब्रिज और ब्रिज के ठीक पीछे एक बिल्डिंग है, वही है मेरा ऑफिस. यहाँ से लेगी 5 मिनट की डिस्टेंस. तो चलते हैं अपने ऑफिस. अपने ऑफिस को जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं.
यहाँ लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। आप देख सकते हैं 9 बज रहे हैं बट फिर भी लोग आज रनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ रोड क्रॉस करना इंडिया की तरह नहीं कि आप जब चाहें तब क्रॉस कर लें। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं रेड लाइट है, अभी रेड हो रखी है इसलिए सभी लोग रुके हुए हैं। जैसे ही ये ग्रीन होगी तभी हम लोग रोड को क्रॉस करेंगे, और जब तक ये ग्रीन होगी सारी गाड़ियाँ अपनी जगह रुकी रहेंगी। अभी ग्रीन हो चुकी है, देखिए सब लोग चलना स्टार्ट करा, हम भी चलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है इंडिया में, मतलब यहाँ जर्मनी में आपका, कि कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा और जवान, यहाँ तक कि पेट्स भी, डॉग, उन्हें अगर रोड क्रॉस करनी है। देखिए एक और सिग्नल आ गया है मेरे ठीक पीछे जो कि रेड है, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा था यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह के सिग्नल्स दिए हुए हैं जिससे कि एक्सीडेंट काफ़ी हद तक बहुत ही कम होते हैं। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए रोड को क्रॉस करना बहुत ही आसान है। देखो ग्रीन हो गई है, अब हम इसको क्रॉस करते हैं। यस, तो चलो चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं अपने ऑफिस पहुंचकर बात करते हैं, तब तक के लिए बाय। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है मेरी ऑफिस की बिल्डिंग। ऑफिस का नाम है हमारा ज्यूरिख, ये हमारी क्लाइंट लोकेशन है, हम यहाँ पे काम करते हैं। मैं बेसिकली आईटी में वर्क करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। सो दिस इज द ऑफिस बिल्डिंग, यू कैन सी this entire building from starting from here to till end. चलो चलते हैं ऑफिस के अंदर। और इस तरह से हमारा गेट खुल जाएगा।